तो हम आपको बता दें कि मार्च में ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़ों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा या फिर अशोक लेलैंड, सभी ने शानदार बिक्री के आंकड़े पेश किए। पूरी डिटेल जानने के लिए आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी अंचल के पास। अंचल, और अपडेट क्या है बताइए। देखिए, आपने मोरले समप सही किया है। इस बार ही मार्च में नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड अच्छे देखने को मिले ऑटो कंपनियों से। टू व्हीलर स्पेस में कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही मारुति सुजुकी की तरफ से। 15% कुल बिक्री बढ़ी, लेकिन उसे आउट परफॉर्म किया टाटा मोटर्स ने। 35% कुल सेल्स इंप्रूव होती हुई दिखी। सभी कंपनियों के एक्सपोर्ट्स में एक अच्छी बढ़त दिखी, वो एक अच्छी इंडिकेशन थी। टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो वहाँ पे इस बार लीडरशिप पोजिशन छोटी कंपनियों ने ली। TVS मोटर्स और आयशर मोटर्स, इनकी सेल्स ज़्यादा रोबस्ट रही। आयशर मोटर्स ने 27% की ग्रोथ दर्ज की, तो वहीं TVS मोटर्स की तरफ से भी 27% की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखी ऑटो सेल्स में। हीरो मोटोकॉर्प ने करीब 20% की ग्रोथ दर्ज की, और साथ ही बजाज ऑटो की तरफ से 23% की बढ़त देखने को मिली ऑटो के बिक्री आंकड़ों में। थोड़ी सी, यानी मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सबसे कम ग्रोथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिखी, जो 10% ही बढ़ा। अदरवाइज बाकी सभी कंपनियों ने 10% प्लस के ग्रोथ फिगर्स इस बारी मार्च आंकड़ों में दिए। हीरो मोटोकॉर्प पे एक और इंटरेस्टिंग ट्रिगर था, वो ये था कि कंपनी ने अनाउंस किया FY18 के लिए उन्होंने 75 लाख गाड़ियां बेची, और उनका 2020 तक का लक्ष्य 1 करोड़ गाड़ियां बेचने का है। तो वो जो लक्ष्य के जैसे जैसे करीब जा रहे हैं, सेल्स और इंप्रूव हो रही, तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड मार्च महीना एटलीस्ट ऑटो कंपनियों के लिए ऑटो सेल्स की तरफ से काफी अच्छा रहा।